हरे कोटि रक्षाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। गणतंत्र शासन की वह व्यवस्था जहां सरकार के निर्माण में आम आदमी की भूमिका होती है, क्योंकि मतदान के माध्यम से जनता ही अपने नुमाइंदों का चुनाव करती है। स्वतंत्रता के बाद आज तक कांग्रेस ही वह पार्टी रही है जिसने जनता की सेवा करने व ईमानदारी वाली शासन व्यवस्था देने वाले उम्मीदवारों को सदैव से टिकट दिया है। अभी हमारे समक्ष जिला परिषद के चुनाव होने हैं। वार्ड संख्या 16 से कांग्रेस ने भी ऐसे ही एक ऊर्जावान व शिक्षित उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस के सभी मानकों को पूर्ण कर वार्ड संख्या 16 के लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। और वह और कोई नहीं, हम सभी के प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राम सिंह जी बिश्नोई के पात्र एवं मुंबई से विधि स्नातक विक्रम सिंह बिश्नोई है। जिला परिषद के वार्ड संख्या 16 में बिलाड़ा एवं आसपास का क्षेत्र आता है, जहां बहुतायत से हमारे अन्नदाता किसान निवास करते हैं, जो किसानी के साथ पशुपालन भी करते हैं। हमारे अन्नदाता को सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि मूलभूत बातों की बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु धरातल पर इनका वजूद बड़ा ही दुखद है। सड़कों के नाम पर सड़कों पर खड्डे न होकर खड्डों में सड़कें हो रही है, जो दुखद है। यातायात के साथ दुर्घटनाओं की भी वो पहली कारक बन रही है। वार्ड संख्या 16 के कई निवासी जो ढाणियों में रहते हैं, उनको विद्युत या तो उपलब्ध ही नहीं होती या बिजली इतनी कमज़ोर उन तक पहुंचती है जिससे उनके कार्य संभव ही नहीं होते। ऐसे में हमारे अन्नदाता कैसे सिंचाई करे, कैसे उनके लाडले अध्ययन करे, यह समझ से परे है। जैसा आप सभी को विदित है कि देश में कांग्रेस वह पार्टी है जो आम आदमी की सभी आवश्यकताओं के साथ शासन चलाने का सूत्र जानती है। वह वर्तमान श्री गहलोत सरकार इसकी एक श्रेष्ठ उदाहरण भी है, वरना जुमलों से मात्र महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ते देश देख ही तो रहा है। वार्ड संख्या 16 से कांग्रेस ने विक्रम सिंह बिश्नोई को मात्र इसी कारण अपना उम्मीदवार बनाया कि उन्हें आम आदमी की सेवा करने की कला परिवार में ही सीखने को मिली। नौजवान एवं शिक्षित होने के कारण वो यह बात अच्छे से जानते हैं कि एक आम आदमी की आवश्यकता मंदिर न होकर वो वस्तुएं हैं जो उसके रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं। वरना अभी तो केंद्र की सरकार ने मंदिर मंदिर की रट लगाकर जो महंगाई बढ़ाई है, जिसके कहने ही क्या। पंचायती राज व्यवस्था में आम आदमी की हितकारी योजनाओं पर यदि मंदिर को मुख्य जरूरत मानने वालों की नज़र पड़ गई तो हो गया कल्याण। फिर तो हमारे वार्ड के प्रत्येक नागरिक को एक बेहतरीन जीवन मिले, रोजगार मिले, हमारे अन्नदाता की प्रत्येक आवश्यकता प्राथमिकता के साथ पूर्ण हो, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ वार्ड संख्या 16 से विक्रम सिंह बिश्नोई आपसे आपका मत एवं समर्थन मांग रहे हैं। यदि हम हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो बड़े बड़े चिकित्सालय चिकित्सकों से विहीन मात्र कंपाउंडरों के भरोसे चल रहे हैं। इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों को आपके स्थानीय स्वशासन का नुमाइंदा खींच कर ला सकता है, वरना शहरों की चाह में सभी उधर ही तो दौड़ रहे हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या 16 की श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी के साथ विक्रम सिंह बिश्नोई आपसे एक मौका मांगते हैं। स्वास्थ्य के साथ हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था का ढांचा भी पूर्णतः चरमरा रहा है, क्योंकि विद्यालय रूपी मंदिर भी शिक्षक रूपी भगवान से विहीन है।
जहां हम सभी की उदर पूर्ति करने वाले अन्नदाता के लाडले अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के स्वप्न के साथ जाते हैं, परंतु गुरुजनों के अभाव में वो कैसा ज्ञानार्जन करते होंगे, समझ से ही तो परे है। मानव शरीर जो अधिकांश जल से बना है, कि मुख्य आवश्यकता जल ही तो है, क्योंकि जल है तो कल है, और हमारी आवाम कैसा जल पीती है हम सभी को अच्छे से पता है। आज हमारी आवश्यकताएं वो नहीं जो हम आए दिन जुमलों में सुनते हैं, बल्कि वो है जो धरातल पर एक आम आदमी की हितैषी होती है। हमें आज हमारे स्थानीय स्वशासन में ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो ईमानदारी के साथ धरातल पर जिए एवं हमारी प्रत्येक समस्या को समझकर उसका हल कर सके। आम आदमी की प्रत्येक जरूरत को समझने का मादा रखने वाले विक्रम सिंह भी यहाँ के जनता की पहली पसंद है। हम यों ही नहीं कह रहे, आप स्वयं ही यहाँ की जनता से उनके विचार सुन लीजिए। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद यूसुफ है, सिंधी नगर का रहने वाला हूँ, और इससे पहले कापड़ा और सिंधी नगर दोनों एक ही पंचायत थी, उसमें मैं एक जनप्रतिनिधि भी था, और अभी जो वापस जिला परिषद के चुनाव है उसमें जो खड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी विश्नोई, 16 नंबर वार्ड से। उसमें हमारा ये है कि राम सिंह जी विश्नोई के पोते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जवान लड़का है, यंग लड़का है, काम करने के लायक है, और राम सिंह जी ने भी काम किए थे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी काम करेंगे, और भरोसा भी है हमें। तो इसके लिए हम वोट कांग्रेस को देंगे और ख़ास तौर से विक्रम सिंह विश्नोई को देंगे, और जो हमारे पास में जो लेडीज भी खड़ी है, जेंट्स भी खड़े हैं, ये सब कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, विक्रम सिंह विश्नोई को वोट देने वाले हैं, और इनका वोट विक्रम सिंह विश्नोई को पड़ेगा, और ये उम्मीद रखते हैं कि विक्रम सिंह विश्नोई हमारे लिए जो भी हमारे गाँव में समस्या है, लाइट की, पानी की, हॉस्पिटल की, हर लाइन की समस्या है, रोड की, जिस किसी भी लाइन की समस्या है, राम सिंह जी विश्नोई जो उनके दादा थे उन्होंने भी हमारा विकास किया था, उसके बाद में मलकान जी जो MLA रहे उन्होंने भी विकास किया था, और इनके एक चाचा जो हैं महेंद्र जी वो भी हर समय हमारा ध्यान रख रहे हैं, और इनके खुद के जो पिता हैं परशुराम जी विश्नोई वो भी हमारा ध्यान रखते हैं, और महेंद्र जी जो इनके भाई हैं बड़े बड़े अब्बा के, वो भी हर लाइन से हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा फ़ोन अटेंड करते हैं, हम कोई भी काम उनको कहते हैं तो वो हमारा काम करते हैं। इसी हिसाब से हमको और हमारे यहाँ की जनता को इनके ऊपर भरोसा है कि हम कोई भी काम इनको बुलाएंगे, कहेंगे लीगल काम का, तो वो हमारा काम नहीं रुकेगा। इस हिसाब से हम विक्रम सिंह विश्नोई को वोट देंगे, और हमारे भरोसे पे हमें उम्मीद है कि वो खरे उतरेंगे। मैं प्यारेलाल विश्नोई निवासी लांबा का हूँ, वार्ड नंबर 16 का वोटर हूँ, और मैं वन्य जीव एवं पर्यावरण संस्थान विश्नोई टाइगर फॉरेस्ट पिलाड़ ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, और हमारे यहाँ भाई विक्रम जी विश्नोई जो कांग्रेस प्रत्याशी है, जिसको हमारी वन्य जीव एवं पर्यावरण संस्थान की पूरी टीम का इनके साथ समर्थन है। विक्रम सिंह जी के दादा स्वर्गीय राम सिंह जी पहले हम लूणी विधानसभा क्षेत्र में आते थे, जो 2005 परिसमन के बाद हमें भिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। जो राम सिंह जी के 50 साल के कार्यकाल पर लूणी विधानसभा में हम थे, उस समय उनके 50 साल का कार्यकाल है, उस कार्यकाल को देखते हुए हम विक्रम सिंह जी के साथ पूरा सपोर्ट है हमारा, और हम आशा करते हैं विक्रम सिंह जी बहुत भारी बहुमत से हमारे लांबा गाँव से इनको बहुत भारी बहुमत मिलेगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं युवा टीम, एक एक वोट जो है वो पूरा विक्रम सिंह विश्नोई के समर्थन में करवाने। हमारे विधान भाई वार्ड नंबर 16 में जो मतदाताओं की कुछ समस्या है, जिसमें पानी की, बिजली के, जैसे कि बिजली का भाई अपने जो फॉर्म भरवा रखे हैं उनकी फीस जमा करवा रखी है, मगर अभी तक उन लोगों को कनेक्शन नहीं हुए हैं, वो समस्या जो, और जैसे कि कई विद्यालय में स्कूल में हम, जैसे कि हमारे लांबा गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, तो ऐसी समस्या का समाधान एकमात्र ही है जो विक्रम सिंह,
जो हमारी ये समस्या सॉल्व कर सकते हैं और हमारी गांव वालों की जो ये मांगे हैं वो यही आदमी पूरी कर सकता है। इसी को देखते हुए हमारे गांव का हर युवा की एक ही है कि भाई विक्रम सिंह का ज़्यादा से ज़्यादा अपन सपोर्ट करें। सही राम, 16 नंबर वार्ड का वोटर। हमारे गांव में बहुत पुराना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर भी कोई डॉक्टर नहीं, कोई अच्छा है ही नहीं, कोई कार्य करने वाला ही नहीं। बहुत पुराना हॉस्पिटल है, पड़ा पड़ा वो जर्जर होने लग गया है, लेकिन विक्रम युवा नेता है जो हमारा ये काम निकाल सकता है। जो लाइट की समस्या भी है और पानी की समस्या भी है, ऐसी समस्या हो गई कि जिसका रिश्तेदार लगता है उसको तो वो पानी भी दे दिया, लाइट भी दे दिया, और बाकी हमारे जैसे है कोई किसान आदमी तो हमारे कोई सुपारश नहीं है पीछे, तो हमारे लाइट नहीं पहुंची ना पानी पहुंचा है। इसीलिए ये युवा विक्रम है जो ये काम निकाल सकता है। ताकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी वोटर विक्रम सिंह विश्नोई को वोट देकर विजयी बनावे, जो हमारी समस्या को समाधान निकाल सके और समस्या का हल कर सके। सभी युवा को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके जीताने की कृपा करें। मेरी पहचान विक्रम सिंह विश्नोई। 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरी पहचान विक्रम सिंह विश्नोई। मेरी पहचान विक्रम सिंह विश्नोई। वोट फॉर विक्रम सिंह विश्नोई। वोट फॉर विक्रम सिंह विश्नोई। वोट फॉर विक्रम सिंह विश्नोई। वर्तमान में जिला परिषद के वार्ड संख्या 16 के लोगों को एक ऐसे विक्रम सिंह की आवश्यकता है जो ईमानदारी, मेहनत एवं सेवा भावना वाला हो। जैसी सेवा भावना स्वर्गीय श्री राम सिंह विश्नोई में थी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि समस्याएं ही न हो, महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक समस्या के समाधान का मादा रखने वाला उम्मीदवार हमारी पहली पसंद हो। जनता की भावनाएं एवं विचार तो विक्रम सिंह विश्नोई को अपना आशीर्वाद देती दिखाई ही दे रही है, जो इशारा है इस बात का कि जनता जुमलों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। आज हमारा वार्ड 16 का क्षेत्र कई मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है एवं एक ऐसे कर्मठ की बाढ़ जो रहा है जो शीघ्रता से प्रत्येक समस्या को हल कर सके। विक्रम सिंह विश्नोई जिन्होंने जन सेवा का अध्याय क्षेत्र के कद्दावर नेता व इनके दादा स्वर्गीय श्री राम सिंह विश्नोई से सीखा हो, वह राजनीतिक गलियारों में मात्र इसीलिए कदम रखा हो कि वो हर हाल में जन सेवा को अपने जीवन में लागू करेंगे। आप सभी से आपका आशीर्वाद एवं समर्थन मांग रहे हैं। आज हमें जो समस्याएं दिखाई दे रही है उनका हल भी हमें ही करना होगा। वो ऐसे ही हम कर्मठ को अपना नुमाइंदा चुने, उसे अपना प्रत्याशी बनाएं जो हमारी समस्याओं को समझकर उनका हल कर सके। तो आइए फिर से कांग्रेस को चुनते हैं जो सदैव आम आदमी के हितों को प्राथमिकता देकर उन्हें प्रत्येक समस्या से निजात दिला सके। जिला परिषद के वार्ड संख्या 16 से कांग्रेस ने इसी पवित्र उद्देश्य के साथ विक्रम सिंह विश्नोई को अपना प्रत्याशी बनाकर जनसेवा की जिम्मेदारी दी है। तो आइए हम सभी उन्हें विजयी बनाकर अपना मानव होने का हक अदा करें। प्रणाम, वंदे मातरम।